हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक बॉडी फेस जो कि बॉडी क्लीनअप है, मैं वो बताने जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा पैक है ये, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको बस करना क्या है, बीच में सिर्फ एक बार ही इसको अप्लाई करना है और ये आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। आप डिफरेंस मेरे फेस पर और नेक पर देख ही रहे होंगे, और मेरे आर्म्स, ये मेरे हैंड्स देखिए, ये मेरी देखिए, ये बहुत ही अच्छा एकदम क्लीन कर देता है। आपको वीक में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। ये होम रेमेडी है, तो ये आपकी जितने भी आपको टैनिंग हो रखी होगी, आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स हैं और या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हेयर हैं, आपके हैंड्स पर हेयर हैं, बिल्कुल पतले पतले जो हेयर हैं उसमें, वो भी इससे हट जाते हैं। आप इसको एक बार वीक में सिर्फ एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। और अगर आप नहीं जाते हैं कहीं, तो आप 10 डेज़ में या 15 डेज़ में आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप इसको कोई भी एज ग्रुप के यूज़ कर सकते हो, 14 एज से लेकर आप हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ जो घर में जो यूज होती है हमारे खाने के लिए, वही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। जैसे चंदन मैंने लिया है इसमें, तो बस वही चीज़ ऐसी है जो आप खाने में नहीं यूज़ करते हो। वैसे कोई कोई चीज़ में शायद चंदन का भी यूज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जो भी मैंने चीज़ें ली हैं, जैसे मैंने इसमें दाल ली है, और मैं आगे भी इसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने इसमें खाने की कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं। तो आप इसको देख लीजिए, और बहुत ही अच्छा पैक है ये। आप फुल बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हो, बस आपको बॉडी आपकी क्लीन होनी चाहिए। और एक बार शावर आप ले लीजिए और आप बिल्कुल क्लीन बॉडी पर इसको अप्लाई कीजिए, और इसके बाद एक बार शावर फिर से ले लीजिए, और फिर इसको लगाने के बाद आपको कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है, शावर जेल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पानी से वॉश कर लेना है और दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया, चलिए देख लीजिए कि इसको बनाना कैसे है, फिर इसको देखते हैं लगाना कैसे है। बॉडी पैक के लिए हमें चाहिए एक खाली बाउल। इसमें मैं सबसे पहले बेसन ले लूँगी। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। बेसन तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए, बहुत ही अच्छा क्लीन करता है। और मैं इसमें बादाम का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने बादाम को मिक्सी उसमें लिया जार में, और मैंने ब्लेंड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है इसको। बस कम से कम 8-10 या 20 होंगे, 8-10 नहीं होंगे, 10-20 होंगे, तो मैंने उतना ही ले लिया है। इससे स्क्रबिंग भी बहुत अच्छी होगी, और बॉडी का जो टेक्सचर, अगर आपके बॉडी पर एक्ने होंगे, पिंपल्स वगैरह हैं, तो ये भी उसको भी रिमूव करेगा। और अगर आपकी बॉडी पर, अगर जैसे किसी की बॉडी पर ब्लैक हेड्स भी होते हैं बैक में, तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगे। और मैं लूँगी चंदन पाउडर। चंदन पाउडर तो बहुत ठंडा सूदिंग इफेक्ट देता है हमारे बॉडी को, फेस को, तो इसलिए मैं चंदन पाउडर भी ले रही हूँ। 1 स्पून चंदन पाउडर ले रही हूँ मैं। ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या फिर आप अपने लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। और मैं लूँगी मसूर दाल पाउडर। मैंने मसूर दाल पाउडर को भी मसूर दाल को भी ले लिया था जार में, और ब्लेंड कर लिया। एक एक चम्मच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसी हिसाब से लेना है आपको। जिस तरीके की आप बॉडी है, उतना ही आपको ले लेना है। इससे आपके बॉडी पर जितनी भी टैनिंग वगैरह होगी, वो भी रिमूव हो जाएगी, और आपकी स्किन एकदम रिलैक्स भी हो जाएगी, और आपकी स्किन पे जो डलनेस होगी आपकी बॉडी में, कहीं कहीं जो बॉडी पार्ट खुले रहते हैं वो। और मैं ले रही हूँ कर्ड। कर्ड अपने बॉडी के हिसाब से ले लीजिए,
पेस्ट तो मुझे इससे नहीं बनाना है क्योंकि मैं इसमें गुलाब रोज वाटर भी ऐड करूंगी। ये आपकी टैनिंग हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जिस तरह से जितना आपको लेना है। अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो रखी है, अगर बॉडी पे बहुत ज्यादा आपके बहुत ड्राई रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपकी बॉडी बहुत ऑयली है तो ये ऑयलीनेस को भी कम करता है ये सारी चीजें। तो मैं ये ले लूंगी और एक टमाटो ले रही हूँ, टमाटो को मैं जूस डाल लूंगी, इस तरह ही डाल दूंगी मैं। आपकी जितनी भी टैनिंग होगी बॉडी पर, हफ्ते में वीकली तो हो ही जाती है, आप कहीं ऑफिस जाते हैं या आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो हो जाती है टैनिंग वगैरह, तो उससे इस चीज़ से आपकी रिमूव भी बहुत जल्दी होगी और अच्छा इफेक्ट भी आएगा। विटामिन सी होता है इसमें, टमाटो में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है और आपकी जितनी भी टैनिंग और आपकी स्किन ग्लो तो करेगी ही। इससे मिक्स करके देख लीजिए आप, फिर उस हिसाब से आप रोज वाटर ऐड कर सकते हो। और बॉडी को आपको क्लीन कर लेना है पहले, एक बार शावर ले लेना है, ऐसा नहीं है कि गंदी जो बॉडी आपकी क्लीन नहीं हो तो भी आप कर लेंगे। ये मैंने रोज वाटर बनाया है, ये मैंने अपने घर पर ही बनाया है, तो मैं इसको भी ऐड कर लूंगी। ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा रनी रखना है क्योंकि बॉडी पर अप्लाई करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसलिए। इस तरह से सावर आप एक बार ले लेंगे ना, तो उसके बाद आप ये सब अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल टैनिंग जितनी भी हो रखी होगी हफ्ते में जो टैनिंग हो रखी होती है वो सारी इससे रिमूव हो जाएगी। आप ये एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये होममेड है तो इससे धीरे धीरे क्या, आप अगर बहुत ज़्यादा जाते हैं आप बाहर और बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वो धूप में ज़्यादा ही जाना आना होता है, तो आप रोज़ टमाटो जूस भी अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर, या फिर क्यूब बना लीजिए आप टमाटो के और उसमें थोड़ा सा खीरा डाल लीजिए, कुकम्बर जो होता है वो उसका जूस भी डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसके क्यूब बना लीजिए आइस क्यूब, तो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको, इसको लगाना कैसे है। इस पैक को अप्लाई करना है पूरी बॉडी पर, बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपके फेस पर फेशियल हेयर हैं तो वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे, आप इसको अप्लाई करते रहेंगे तो। इस तरह से आपको लगा लेना है और 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है इसको लगा कर। तो इसमें जितनी जो मैंने मसूर दाल डाली है, इसमें पाउडर डाला है और बादाम पाउडर, स्क्रबिंग भी करेंगे आपकी स्किन की, और जो मैंने दही लिया है इसमें और टमाटो जूस लिया है वो आपकी टैनिंग हो रखी होगी आपके फेस पर या आपकी आर्म्स पर, ये हैंड पर, जो भी पार्ट आपका खुला रहता है एरिया बाहर जाते समय, तो वो भी आपके इससे रिमूव हो जाएगा। आप इसको इधर लगा लीजिए आप एक बार, इसको आपको रब नहीं करना है आइज पर आप लगा सकते हो लेकिन रब मत करिएगा क्योंकि यहाँ स्किन बहुत ही नाजुक होती है, तो आपको इधर की स्किन पे सिर्फ लगाकर छोड़ देना है पैक को, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जो आपकी आइज के लिए कोई प्रॉब्लम करे, तो इसलिए आपको आइस पर भी लगा कर छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि मैंने इसमें जो चंदन पाउडर डाला है वो आपकी जो आइस है उसको भी ठंडा और कूल कर देगा आपकी आइस को। और आपको बिल्कुल क्लीन बॉडी पर ही अप्लाई करना है, एक बार आप सावर ले लीजिए उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए इसको। और फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं बॉडी पर भी होते हैं, पीछे बैक पर भी होते हैं और फेस पर भी होते हैं एक्ने, नोज़ के एरिया पर, इधर चिन पर, किसी किसी को यहाँ फोरहेड पर भी होते हैं और किसी को यहाँ गाल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल हैं
फेस पर, तो आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उससे पानी से धुल देना है। आपको बिल्कुल भी रब नहीं करना है। आप लगा सकते हो उस समय, ऐसी बात नहीं है कि आप लगाएंगे नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन लगाकर आप उसको इस तरह से मलिए मत, रगड़िए मत, कुछ मत कीजिए, बस लगाकर इस तरह से मोटा मोटे लेयर लगाकर आप छोड़ दीजिएगा। और फिर आप बस पानी के साथ वॉश कर लीजिए, बस 10 मिनट्स के लिए इस तरह से छोड़ देंगे ना आप, तो आपका जो टैनिंग हो रखी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और जिसको अगर नहीं है पिंपल, वो तो आप लगा के आप इसको रब कर सकते हो 10 मिनट्स के बाद। अब तो गर्म है, मतलब समर का मौसम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इस तरह का तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, जाते आते रहते हैं, बाहर निकलना ही होता है धूप में, तो ये बहुत ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट भी देता है और आपकी बॉडी पर भी हेयर्स होंगे वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको वॉश करने के बाद मिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, अपने हैंड भी वॉश कर लिए हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। इस तरह से क्लीन कर लीजिए और अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चर लगा लीजिए और इसी तरह छोड़ दीजिए आप पूरे समय के लिए, क्योंकि आज तो आप रिलैक्स रहने ही वाले हैं। वीक के दिन तो वीकली दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, और देखिए इससे बहुत ही चिकना हो जाता है फेस, एकदम ग्लो भी प्रोवाइड करता है ये देखिए। इसको एक बार आप ज़रूर लगाइए, और आपको अगर पिंपल नहीं है तो आपको रब करना है 5 मिनट्स के बाद, आपको रब कर लेना है 5 या 10 मिनट्स के बाद आप रब कर सकते हो। बॉडी पर भी रब करिए, बैक में, आगे नेक पर, ये आर्म्स पर, लेग्स पर, पूरी बॉडी पर आप ये लगा के और अच्छे से रब करके निकालिए, और आपके जो बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे। ये होम रेमेडीज चीज़ है, तो इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। आपको अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो मार्केट में भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इस तरह की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, वीकली आप ये सब कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें आप अपने मन चाहिए चीज़ें जो आपको पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो आप लोगों ने देख ही लिया है फ्रेंड्स कि ये मैंने किस तरह से लगाया है, और मैंने सुबह में लगाया था जब मैं नहा रही थी, नहाने के बाद मैंने फिर लगा लिया था, और क्योंकि इसको बॉडी को वॉश करने के बाद ही अप्लाई करना है, तो फिर मैं नहा चुकी, फिर उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया और फिर से एक बार फिर से क्लीन अप कर लिया, फिर से पानी से वॉश कर लिया है अपने बॉडी को, और इससे डिफरेंस आपको एकदम देखने को मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को भी लगा सकते हो, टीनेज बच्चे होते हैं उनके भी बॉडी पर टैनिंग हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, रोज़ धूप में रहते हैं, तो उनकी बॉडी पर इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक करके ही जाइएगा, और लाइक करने में कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा आपका, और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, मेरा वीडियो नया देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंच जाए और आप उसको भी देख पाएँ और अपने यूज में ले पाएँ। अगर आपके यूज़ का होगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी रेमेडीज़ आपको कैसी लग रही है, और ये हर जो भी आपकी स्किन का टेक्स्चर है, जो भी ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सारे यूज़ कर सकते हो। और जो ड्राई स्किन है वो इसमें जो मैंने दही डाला है, कर्ड डाला है, उसकी जगह पर आप रॉ मिल्क होता है वो आप ऐड कर लीजिए सिर्फ, और कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
और आप अगर आपकी बॉडी पर फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल हैं तो आप इसमें नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हो। वैसे ऐड करने के लिए क्या है, आप जो भी ऐड करते जाएंगे कोई भी चीज़ बनाने में फेस पैक में, तो फिर पता नहीं क्या क्या ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ों से ही आप पहले इसको बनाकर यूज़ कर देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लगे और अच्छा लगे आपको ये पैक, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। थोड़ा वेरिएशन अपने हिसाब, अपनी जगह, अपने तरह से बनाकर कोई भी चीज़ को देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर लीजिए। बाय।